वो देखो वो है अरबाब का घर। अभी जाना कुछ मुनासिब नहीं, रातों किसी वक्त आएंगे। अभी नहीं जा सकते। कौन है तुम और इस घर के बाहर क्या कर रही हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूं। तुम कुलसुम हो? हाँ। और तुम? मैं मारिया। बाबा कौन मेरी बच्ची चुरा कर ले आया। मैं उसे लेने के लिए आई। प्लीज किधर है वो? ओके ऑलराइट, मगर इस तरह नहीं। आओ मेरे साथ, कम अलोन। डरो नहीं, बैठो गाड़ी में। सब लोग उठ जाएंगे। मारिया, पहले कि कोई आ जाए तुम फौरन बच्ची लेके निकल जाओ। थैंक यू। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम क्या समझते थे मुझे इसके बगैर चैन आ जाएगा? छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अच्छा, तो तुम लाई हो इसे अंदर? तुम कब आई हो? मैं अभी आई हूं। अरबाब, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने सारे आदमी हो। तुम कौन होती हो बाप और बेटी के दरमियान बोलने वाली? मैं बाप और बेटी के दरमियान नहीं, मां और बेटी के दरमियान बोल रही हूं। कुलसुम, तुम इस मामले में मत आओ तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर भेज दूंगा। मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। और बाप, तुम मेरी बच्ची को मुझसे नहीं छीन सकते। मैं अपनी बच्ची को आज लेकर जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता है, समझे तुम? तुम यहां से
जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देके निकलवा दूंगा। मैं अपनी बच्ची को वापस लेने के लिए अदालत तक जाऊंगी। गेट आउट। आई विल सी यू इन कोर्ट। एसएचओ साहब, मैं असद हूं, ये मारिया हैं, इनकी बेटी अगवा हुई है, आपके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं, काइंडली रिपोर्ट लिखिए। आप क्या लगते हैं जी इनके? मैं रिलेटिव हूँ इनका। क्या है? रिश्तेदार हूँ मैं इनका। अच्छा अच्छा, कितनी बड़ी बच्ची है? छोटी बेबी है। इतनी छोटी बच्ची कैसे वो आ गई? उसका बाप उसे चोरी करके पाकिस्तान ले आया। अच्छा, तो वकुआ पाकिस्तान से बाहर हुआ है? जी हाँ, बिश्कीक में। बख्शीश नहीं है, ये बिश्कीक है, रूस की एक रियासत, कर्गिस्तान में है। बड़ा मुश्किल नाम है भाई, बहुत दूर वाकया हुआ है और वहीं पे इसकी रिपोर्ट दर्ज होगी। लेकिन मुलजिम तो आपके शहर में है। क्या नाम पता है उसका? अरबाब खान, साहिबदाद खान का बेटा। बड़े बहुत मशहूर लोग हैं जी, बड़े बहुत बड़े लोग हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उनका। What do you mean by this? कुछ नहीं कर सकता? हम लोग जो इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं और आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते? क्या नाम बताया था जी आपने शहर का? बिश्कीक। बिश्कीक। बड़ा मुश्किल नाम है जी, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। क्या मतलब है कि आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, अखबारों में चिल्लाऊंगी और ह्यूमन राइट्स के वकीलों से मिलूंगी, समझे आप? देखिए बीबी, ये वकुआ मेरे थाने के दूर से बाहर हुआ है इसलिए। ठीक है, मैं आपके पुलिस चीफ से मिलूंगी, समझे आप? आप बैठे बैठे प्लीज, आप बैठे, आप तो बिल्कुल नाराज हो गए एकदम से, बैठे। आप चाय पियेंगे या ठंडा? चाय ठंडे का कोई जरूरत नहीं, हम पीते रहते हैं, जिस काम के लिए सिर्फ वो काम कीजिए। अच्छा, बशीर खान जल्दी से रोजाम चलाओ। हेलो बाबा जानी, मैं शहाब बोल रहा हूँ। बेटा कैसे है तुम? ठीक हूँ बाबा जानी, आप कैसे हैं? किसका फोन है? डॉक्टर, बेटा खैरियत है? हाँ खैरियत है, मैं दो दिनों बाद पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। एक बात बता, वो लड़की तेरे साथ है? हाँ है। ये ले अपनी माँ से बात कर। हेलो, हाँ बेटा कैसा है तू? अस्सलाम वालेकुम बीजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू सुना, तू उस बला को छोड़कर जल्दी आ जा जिसकी वजह से तू हम सबको छोड़कर चला गया। ऐसा मत कहें बीजी। क्यों ना कहूँ, मेरी तो आंखें भी तरस गई हैं तुझे देखने के लिए। बीजी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसका बेटा इतनी दूर चला गया हो वो कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, किस तरह ठीक हो जाएगा? लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, मैं कोई हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना बेटा, तू जल्दी आ जा। जी मुझे दुख हो रहा है, देखें मत रो। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ अरबाब। हाँ अरबाब, कैसा है यार तू? भाई सब क्या हो गया भाई, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, इस किस्से को खत्म हो जाना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, उसके बाद देखना
सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया जाओगे कहाँ तुम? दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाऊंगा मैं। भाई भाई अपना ख्याल रखना और प्लीज प्लीज कांटेक्ट करते रहना। देख बीजी को संभाल लेना, उनको हौसला दे देना। यार उनका ख्याल रखना। देख मैं तुझे जाते ही फोन करूंगा। मैं चलता हूं, मेरे लिए दुआ जरूर करना। बात बताएं, आपको आपकी एम्बेसी की सपोर्ट हासिल है? जी हाँ, इस सिलसिले में उन्होंने एक ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है। गुड, वेरी गुड। आपको तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अखबार वालों की तवज्जो मैं दिला दूंगी और फिर इंसानी हकूक के तहत तो बेटी आपको जरूर मिलेगी। मेरा ख्याल है पुलिस उनसे डरती है। मैं कल ही अदालत में दावा दायर करती हूँ, कल पूरे मुल्क में इस केस का चर्चा होगा। लेकिन लगता है कि वो लोग बहुत बासर हैं। हमें ये भी डर है कि वो कहीं बच्ची को गायब ना करवा दे। आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं सड़कों पे जुलूस निकलवा दूंगी। क्या सब लोग मुझे जानते हैं? इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आप पैसे तो लाए हैं जी, आपकी फीस क्या है? आप $1,000 दे दें, फिलहाल ये केस वगैरह दायर करने के लिए लग जाएंगे, बाकी फिर देखी जाएगी। मेरी बच्ची तो मिल जाएगी ना? मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी, आप पैसे दे दीजिए। जाने क्या हो रहा है, अब शाह भी वतन से बाहर जा रहा है। हम तो उससे मिल सकेंगे ना? मुझे क्या पता है। न जाने इस घर को किसकी नजर लगती है। ये देखिए, तमाम अखबार मारिया के हाथ में लाए, इंसान हकूक के कला उसके लिए मुजाहरे कर। यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं? कोई बेखबर नहीं है, सब पता है। ये जो वकील कर रही है ना, उसको मैं जानता हूँ अच्छी तरह। वो सब पैसे की खातिर कर रही है। तो उसका मुंह बंद कर दें, डाल दें उसके मुंह में पैसे। क्या ही अच्छा हो कि अगर उसको उसकी बेटी वापस कर दी जाए। देखो बेटा, हम पठान लोग हैं, जायदाद जर जमीन तो छोड़ सकते, तो बेटी नहीं छोड़ सकते। बाबा जानी पूरी दुनिया में हवाई रुसवाई हो, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो औरत दो चार दिन शोर मचाएगी फिर खुद ठंडी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो अपनी बच्ची साथ लेके जाएगी। बिल्ली भी अपना बच्चा किसी के घर नहीं भूलती, सात घर घूमती है, वो तो फिर इंसान है। देखो बेटा, ये अखबार वालों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ,
मैं इनको संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। सारी दुनिया कह रही है कि जुल्म हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं फिक्र ना करूं। उसको उसकी बच्ची वापस कर दो। देखिए आप लोग इस मामले में कोई बात ना करें, मैं खुद उसे अदालत में देख लूंगा। अदालत तो अखबारात में लग चुकी और आवाम उसके हक में फैसला भी दे चुकी, माँ को उसकी बच्ची मिलनी चाहिए। बेटी ये बड़ों की बातें हैं, बड़ों में रहने दो प्लीज। बहरहाल मैं उसके साथ हूँ, उसका साथ दूंगी और उसके साथ भूख हड़ताल भी करूंगी। तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरी बेटी है और इनकी पोती है, समझी? रघुना कल से इस घर में अखबार नहीं आएगा। मुर्गा छुपाने से क्या सुबह तुलू नहीं होगी? शाबाश बेटा शाबाश, तमाशा तो हम बन गए, अब इस पे और कितना मिट्टी उड़ाओगी? और अगर कुछ बच गया है तो तुम अपना शौक पूरा कर लो, ये बाबा हाजिर है। बेटी को लेकर यहां से कहीं निकल जाऊं, कब तक भागते रहोगे बेटा? पापा जी आपको कोर्ट में केस जीत जाएगी। कैसे जीत जाएगी? गैर मुल्क की औरत है, वो अपनी बच्ची को लेकर इस मुल्क से नहीं जा सकती। कोर्ट उसको कहेगी पाकिस्तान में रहो, तो फिर आप उसको जानते नहीं, वो यहां रह जाएगी। तुमको तो मैं क्या क्या साफ तुमने, अच्छी बताओ बच्ची को लेकर कर जाओगे? कि मैं अपनी बेटी को लेके दुबई चला जाता हूँ, वो यहाँ रो धो के वापस चली जाएगी। अदालत इस पर क्या सोचेगी? ये दिस इज द पॉइंट। अदालत कहेगी ना कि बेटी को लेकर आओ, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो मेरी बेटी को वापस मुझे दुबई से ले आए। रास्ता ये तो बहुत ठीक सोचा, तो मैं सकता हूँ दो चार महीने के लिए बच्ची को लेकर दुबई चले जाओ, इधर मैं सब संभाल लूंगा। एक न कर कब जाओगे? मेरे ख्याल में अगली पेशी के बाद मैं निकल जाऊंगा। अभी तक सिवाय न्यूज़पेपर्स में न्यूज छपने के अलावा क्या हुआ? देखिए आप भूख हड़ताल पर बैठ जाएं, फिर देखें तमाम लोगों की तवज्जो आपकी तरफ होगी। लेकिन मैं कानून के जरिए अपनी बच्ची को वापस लेना चाहती हूँ। आपका केस मजबूत है, जवाब दावा के लिए उन्हें अदालत तलब किया है, पेशी आने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप ये काम करवा सकती हैं। देखिए ये कानूनी मसले हैं, इसमें वक्त तो लगता है, और मैं आपकी ममता को एक्सप्लॉइट करके अदालत पर दबाव डालना चाहती हूँ। मैं अपनी एम्बेसी के थ्रू आऊँगी, फिर देखती हूँ क्या होता है। ऐसे फैसले बहरहाल अदालत ही करती है। लेकिन आपने जो इतने सारे पैसे लिए हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से आपको मदद भी तो हो रही है। फीस वगैरह और अदालती खर्च तो होते ही हैं। कहीं वो बच्ची को बाहर ना भिजवा दें। देखिए मारिया पाकिस्तान में रहने के लिए भी तैयार है। हाँ, अगर मुझे बच्ची मिल जाए तो मैं ये बात अदालत के सामने रखूंगी। अब मेरा ख्याल है कि आप लोग जाएं,
मुझे केस तैयार करना है, ओके? जानता हूं तुम अपनी बेटी की बात कर रही हो। हाँ, अब इस सूरत में मैं कैसे कोई फैसला कर सकती हूँ? देखो, वो रात तो तुम्हारी जिंदगी में आने से रहा, वो रात अब इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आ सकती। तो फिर क्या करोगी? अगर मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी जॉब तलाश करूं ताकि मैं अपनी बेटी को भी कुछ वक्त दे सकूं। सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती, हादसात जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। हम में से हर कोई किसी ना किसी मोड़ पर जरूर बिछड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी कि अपने आप को तन्हा कर लिया जाए। खुशी इंसान के करीब होती है, लेकिन इंसान उसे महसूस नहीं कर पाता। मेरी जिंदगी में अब अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं रहेगी। अंधेरों में दिया जलाने से ही रोशनी होती है शहजाद। अगर किसी टहनी से फूल टूट जाए तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि फूल दोबारा खिलेगा ही नहीं। जरा सा पानी दो तो फूल दोबारा खिल सकता है। ये बात नहीं है वकार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम क्या समझती, दुखों की चादर सर पर ओढ़ने से जिंदगी गुजर सकती है? शहजाद, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ है। तुम क्या चाहती हो, वो भी तुम्हारे साथ दुखों की चूड़ी पर चढ़ जाए? नहीं शहजाद, अब तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना होगा। मैं फैसला सुन तो सकती हूँ लेकिन दे नहीं सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसका तन्हा नहीं छोड़ सकता। शहजाद, मैं परसों की ट्रेन से मॉस्को जा रहा हूँ, स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं चलोगे? मारिया, जब से आप पाकिस्तान आई हैं, आप ये बताएं अपनी बच्ची से मिली हैं? नहीं, अपनी बच्ची से मिलने गई लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया, नहीं मिलने दिया।
इस्मारिया, इस केस के सिलसिले में आपकी किस किस से बात हुई और साथ ये बताएं कि किन किन से आपको मदद हासिल हुई। मैं अपनी एम्बेसी गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन और लॉयर्स और जितने लोगों ने मेरी मदद की यहाँ अभी तक कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं तो यहाँ पे फॉरनर हूँ। और तो फिर इतनी हेल्प के बावजूद आपने भूख हड़ताल क्यों की? क्योंकि मैं आला हुकाम और पूरे पाकिस्तान को और इस मुल्क को बताना चाहती हूँ कि एक माँ के साथ कितना जुल्म हो रहा है कि उसको उसकी बच्ची से दूर किसी मकसद के बगैर रखा जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, ये सब जो आपके साथ है इनसे आपका क्या काम है? यार आप मुझे खासे मौजे साफी लगते हैं, आपको ये सवाल जेब नहीं देता। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक माँ को उसकी बच्ची दिलवाने के लिए आया हूँ। ये मेरे मोहसिन है, अगर ये ना होते तो मैं शायद यहाँ पे आ भी ना सकती। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है और मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। यार कहाँ जा रहा तुम? तस्वीर उतर गई है, सुबह अखबारों में आ जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ दिन और रुक जाते तो मजा आता। अच्छा पासपोर्ट और टिकट संभाल लिए? हाँ वो सब तो मैंने संभाल लिया। वैसे डॉक्टर तुमने मुझे ज्यादा मेजबानी का मौका नहीं दिया। पीरन अब क्या सारी जिंदगी मेजबानी करने का रहा था? यकीन करो दिल तो यही चाहता है कि सारी जिंदगी तुम और मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाए। साधु बनने में कसर ही क्या रह गई? वो हम जरा अंदर बीबियों को मिले। जाओ जाके दुआ लेके। मीरन वो वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम तो ठीक है ना? यार घबराते क्यों हो, वहाँ सारा बंदोबस्त है, तुम परेशान मत हो। ये बताओ कुछ भूले तो नहीं? किस किस को याद रखूं? मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ, माँ बाप भाई सब लोग। देखो मायूसी की बातें मत करो डॉक्टर, वहां पहुंचते ही तुम उनको टेलीफोन कर देना, बल्कि उनको बुला लेना। ऐसा ही करूंगा। कितना अच्छा है आप लोग, हमारा माँ नहीं है लेकिन बड़ा बीबी हमको माँ का प्यार दे। मीरन तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर। देखो एहसान की बात मत करो डॉक्टर, ये मैंने अपनी दोस्ती का हक निभाया है। निभाया नहीं बल्कि हक अदा किया है। मैं सारी जिंदगी भी तुम्हारा ये हक अदा नहीं कर पाऊंगा। देखो डॉक्टर साहब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जितने दिन तुम यहां रहे हो तुमने अपना नसीब खाया है। चलो छोड़ो इस बात को, चलो देर हो रही है, कराची में तुम लोगों का इंतजार हो रहा है, आओ।
किसका दोष सी किसका नहीं सी ये गल्लां हुण करन दियां नहीं वेले लंघ गए तोबा वाले रातां होके परन दियां नहीं जो होया ये होना ही सी ते होनी रोकियां रुकती नहीं एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकती नहीं कुछ उंज भी रावां औखियां सन कुछ गल विच गम दा तौक भी सी कुछ शहर दे लोक भी जालम सन कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी गए इतना अरसा हो गया के साथ मरा तो नहीं करते बाबा बेची सकते तो चली गई है पर आप हिम्मत हार बैठे आपसे बात करता हूं मैं समुंदर खान को नहीं छोड़ूंगा तू क्या समझता है तेरा भाव बेचारी समंदर खान जैसे लोगों से डरता है लेकिन मेरे बाप का बेटे ये दुश्मनी जो होती है ये आग का लिबास होती है बेटा मैं तुझे ये आग का लिबास नहीं बन दूंगा कुछ भी कहे मैं समंदर खान को नहीं छोड़ूंगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा सरगुना तेरा तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है सुना तुम्हारे बेटे ने क्या कहा वो कहता है कि मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा उठो ना इसको रोको मुझे तो बड़ा मना करती थी ये मत करो वो मत करो सरदार खान ये नहीं करो उसको रोक रोक उसको जाएगा समझाओ तो ही इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक
तेरी समझ में क्या आएगा? खत्म कर दिया मुझे, वाह डॉक्टर वाह, गैरत की खातिर मौत को गले लगा लिया उसने, किसी की जान बचाने के लिए अब जान दे दी है। सुनने का हौसला नहीं है, जा बेटा मारिया को बची वापस कर दो। ये आप क्या कह रहे बाबा? बेटा मैं ठीक कह रहा हूं, वो बच्ची जो है वो मारिया के वजूद को हिस्सा, कौन कौन इनकार कर सकता है? लेकिन आपने आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि मैं बच्ची को लेकर दुबई चला जाऊं। ओ, मैंने कहा था, मैंने गलत कहा था। दुनिया की अदालत जो अपना फैसला सुनाएगी सुनाएगी, लेकिन डर उस वक्त से जब वो ऊपर वाला अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन बाबा मुझे अब पता लगा बेटा हाथ का दुख क्या होता है, तुझे क्या पता है बेटा कि तेरा बड़ा भाई अब खान एक लम्हे को नहीं, एक लम्हे को नहीं। मैं मारिया के बेटा दुख को समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता, सुम से को बच्ची को ले आए। Thank you.
बेटा इसको मारिया को दे दो। देखो और बाप आ रहा है। वो आ रहे, वो फिर मेरी बच्ची को मुझसे चुरा के ले जाएगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मारिया प्लीज होल्ड ऑन। मारिया डरो नहीं, ये वो अरबाब खान नहीं है। काम डाउन। अपनी बच्ची को देखना चाहता हूँ। मारिया बच्ची अरबाब को दे दो, दे दो। वैसे देखने आ सकते हो? मैं तुम्हारी अमानत समझ के रखूंगी। मेरी बच्ची, मैं तुझे मिलने जरूर आऊंगा। Thank you.